खुशी बेशुमार हो रही है, लाइक स्पीचलेस, कुछ अंदाज़ा ही नहीं कि क्या चल रहा है दिमाग में. जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग टू सिंक द फैक्ट कि अब जीत गया हूँ मैं, और जस्ट बस लाइक रियलिटी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैजिशियन की लाइक अपने इंडिया में जो मैजिशियन का लेवल है, मैजिक का लेवल है, इट्स मोर कन्वेंशनल, जहाँ पे लाइक कोर्ट में से निकाला कुछ, डव किया, सिल्क करी सब, लाइक इट्स लाइक मोर ऑफ किड पार्टीज. उतना लेवल नहीं है जो अब्रॉड में और इंटरनेशनल है, जहाँ पे अप क्लोज परफॉर्मेंस. तो अब आजकल ट्रेंडिंग मैजिक स्टाइल है जो क्लोजअप मैजिक बोलते हो, जैसे डायनमो, डेविड ब्लेन ने जो फेमस किया, और यंगस्टर्स और यंगर जनरेशन आजकल मॉडर्न पब्लिक वही पसंद करती है. अब वो टाइम गया जहाँ पे आप स्टेज पे मैजिक दिखा रहे हो, इल्यूजन कर रहे हो, बड़े बड़े प्रॉप यूज़ कर रहे हो, तो बिकॉज पीपल आर मोर स्मार्ट, तो उनको फूल करना और डिफिकल्ट हो गया, और आपको स्मार्ट मैजिक चाहिए. तो मेरा स्टाइल ही वही है कि एक क्रिएटिव प्रोसेस मैंने अपने IT एक्सपीरियंस से बनाया, और कुछ ऐसा चीज़ बनाया, ऐसी रूटीन्स बनाई जो इम्पॉसिबल लगे, एट द सेम टाइम ऑर्गेनिक भी हो, के अपने आपके हाथों में और आपके आँखों के सामने हो, और आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस छोड़ के जाए. तो वो जो जर्नी है, लाइक इट्स फ्रॉम पॉसिबल टू इम्पॉसिबल हुई मेरे लिए. मैं जो कास्ट, जो कम्युनिटी से आता हूँ एक्चुअली, और जो एरिया में भी रहता हूँ, वहाँ पे कैसा है कि कार्ड्स अगर मेरे हाथ में है तो एक परसेप्शन बन जाता है, नेगेटिव परसेप्शन. और सपोर्ट मेरे फैमिली से भी नहीं था बिगिनिंग में, मतलब उनके पास भी कुछ था नहीं कहने के लिए, और थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स चल रहे थे यहाँ वहाँ. और फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था वो टाइम पे, तो नया जॉब ढूंढ रहा था मैं, तो वो बोले कि क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो सपोर्ट कुछ नहीं मिला था. मैंने तो भी अगेंस्ट जाके हर रोज़ प्रैक्टिस करता, रात को आके नई चीज़ें सीखी, तो सब कुछ सेल्फ थॉट है, किसी ने सिखाया नहीं है, और खुद के मेरे ओन क्रिएशन से बहुत सारे. और फिर एक बार मतलब एक लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे मुझे लगा कि अब मैं रेडी हूँ किसी कंपटीशन में जाने के लिए. और तो एक इंडियाज गॉट टैलेंट एक शो है जो कोई भी अलग आर्ट फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, हर तरीके का टैलेंट. तो वही राइट मोमेंट मेरे लिए था कि इस बार ट्राई करें. मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब रिलीजियस है, तो उनके लिए मतलब इतना दे कांट फिगर आउट कि दीज आर ट्रिक्स और यू नो स्मार्ट मेथड्स और समथिंग. तो उनको पहले चिंता हो गई कि कहीं गलत संगत में या कहीं काला जादू या कुछ, किसी ने मंत्र पढ़ के कुछ कर दिया कि नहीं. तो उनको मुझे कन्विंस करना पड़ा कि ये सिर्फ ट्रिक्स है, ये दीज आर ऑल लाइक यू नो इल्यूजन्स, वो सब चीज़. तो पहले थोड़े वो कन्फ्यूज थे, वो डर में थे, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं सही रास्ते पर हूँ, तो अब सपोर्ट है बहुत अच्छा. जब मुझे याद है मेरा पहला ऑडिशन था, जहाँ पे पहली बार मैं आया था, तो करण सर और मलाइका मैम और किरण मैम, तो बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े सेलिब्रिटी से फेस टू फेस, और ऊपर से आप मैजिक कर रहे हो, आपको उन्हें फूल करना है, वो सब चीज़ करना, तो बहुत नर्वसनेस रहता है, बहुत प्रेसिशन से काम करना पड़ता है. लेकिन मेरे मतलब टू माय सरप्राइज वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिंग थे, और बहुत मतलब एक पहले राउंड के बाद दे यूज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर माई एक्ट. तो जब भी मैं आता था चेयर करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे मैजिक का इफेक्ट भी वही था कि मैं उन पे ऊपर इम्प्रेशन जमा रहा था, उनको इन्वॉल्व कर रहा था ताकि वो बोर ना हो. और तो हर बार मैं जब आता था वो मेरे एक्ट के लिए वेट करते थे और देखते थे कि इस बार मैं क्या दिखाने वाला हूँ. मेरा प्री फिनाले का एपिसोड था जो मैंने रणवीर सिंह के साथ किया था, एक एक्स कार्ड पे से लेके कार्ड पे मूव करके उनके हाथ में किया था, जो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है. और उसी एपिसोड में मैंने मलाइका मैम के साथ किया था, उनकी रिंग के साथ, जो बहुत ही रिस्की एपिसोड, रिस्की ट्रिक था, और ऐसा भी चांस था कि उनकी रिंग शायद से खो जाती और मुझे नुकसान आता पड़ा. तो बहुत ही मेमोरेबल ट्रिक है वो मेरे लिए. जी बिल्कुल. तो एक्चुअली कार्ड मैजिक तो आपको हर कोई मैजिशियन दिखाता है, तो अब मैं एक्चुअली कुछ अलग दिखाऊंगा. आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी होगी जहाँ पे टाइम ट्रैवलिंग होता है, इमेजिनेशन किसी के माइंड में जाते, तो एक इमेजिनेशन को मैं रियलिटी में बदलूंगा अभी, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो मेरे पास एक मार्कर है और एक लाइटर है, ठीक है? अब ये मार्कर से मैं एक इमेजिनरी होल बनाऊंगा मेरे हाथ में. अब ये मार्कर चल रहा नहीं है, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे एक होल बन गया है, ठीक है? एक होल बना दिया मैंने, और इससे मैं आग लगाऊंगा, ठीक है? तो अब इस होल में जो चीज जाएगी, अब मल्टी डायमेंशनल जैसा साइंस फिक्शन मूवीज में होता है, वो कहीं और से निकलेगी, ठीक है? तो ध्यान देना. थैंक यू.
बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे रिलेटिव्स को पता चलेगा, बहुत फ्रेंड्स हमारे एरिया में, सब लोगों का जो सपोर्ट मिला है मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। और हर कोई इंसान, हर कोई इंडिविजुअल कहीं पूरे देश में या किसी भी कोने में, अगर आपके पास कोई पैशन टैलेंट हो, किसी वजह से आप अटके हो, किसी ब्लॉकेज या कुछ प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और अपने टैलेंट पर गिव अप मत करो। तो जस्ट परस्यू योर ड्रीम्स।